हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सूचकांक जो है ये बहुत ही हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, PCF एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन या उससे बढ़ भी सकता है, दो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को करना हम लोग के लिए अनिवार्य है। आज हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं और उसमें देखते हैं जो कि इंडिया का रैंकिंग क्या है विश्व के लेवल पे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग कितना है दोस्तों? तो इंडिया का रैंकिंग है 142। इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो नॉर्वे। जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस का है ये संस्था। आगे का देखते हैं, हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q2 2021 में इसका देखते हैं, हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है। इसमें इंडिया का रैंकिंग है 84 और फर्स्ट रैंक पर है जापान। नेक्स्ट देखते हैं चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, ठीक, नॉर्वे फिनलैंड इस पे फर्स्ट पे है और इंडिया का रैंकिंग है 49। ये उतना खास नहीं है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 87। 2020 में कितना था? तो 74 था। और शीर्ष पे कौन सा देश है? तो यह है सूडान। जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। समावेशी इंटरनेट सूचकांक, समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 49। फर्स्ट रैंक पे है सूडान। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, इसमें इंडिया का रैंक है 140 और इससे पहले जो था 112वां पे था। फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो आइसलैंड है जेंडर गैप रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है? तो 40 है और फर्स्ट रैंक पे है अमेरिका। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 56। वैसे 55 भी कहीं मिलता है, इसमें 56 है। तुर्की है फर्स्ट पे। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021, इसमें जो है जानवे करते हैं 56वां रैंक इंडिया का है या तुर्की फर्स्ट रैंक पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2000, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 139। फर्स्ट है फिनलैंड। ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, इंडिया का रैंकिंग कितना है? 139। फर्स्ट पे है फिनलैंड। ओके, वर्ल्ड आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 121। एशिया में है इसका 26वां स्थान इंडिया का। फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो सिंगापुर है। ओके, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है इसको और 53वां रैंक है इंडिया का। फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे। फर्स्ट रैंक पे कौन है दोस्तों? तो नॉर्वे, ठीक है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में हो गया, जो कि इंडिया का रैंक कितना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों को फिर पूछा जाता है, कितना है? तो 53वां है। ओके, COVID-19 प्रदर्शन सूचकांक, ये नया नया कोविड चल रहा है इसको लेके हो सकता है पूछ दे। COVID-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021, लोवी संस्थान कौन जारी करता है? लोवी संस्थान, ये कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और ये इंडिया का इसमें रैंक है 86। फर्स्ट पे है वियतनाम। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता सूचकांक, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें इंडिया का रैंक है 10वां और सिंगापुर फर्स्ट पे है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, इसमें इंडिया का रैंक है 86वां। अभी भी पेपर में हाल फिलहाल में ही आया ही था ये न्यूज, न्यूजीलैंड और डेनमार्क फर्स्ट पे है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर अभी जो भी इंटरनेशनल में बात छिड़ी हुई है उसको लेके। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021,
इसमें इंडिया का रैंक है सातवां, 2020 में था पाँचवा। मोजाम्बिक जो है सो फर्स्ट रैंक पे है। जर्मन वॉच एनजीओ जो है सो इसको जारी करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2001, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2001, इसमें हमें इंडिया का रैंक है चार, फर्स्ट पे है अमेरिका। और इसको जारी कौन करता है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 को ग्लोबल फायर पावर इन द्वारा ही जारी किया जाता है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक इंडिया का रैंक है 111वां, 2019 में था 94वां, न्यूजीलैंड फर्स्ट पे है। मानव विकास सूचकांक, ये भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। इंडिया का रैंक है 131 और 2019 में था 129, और नॉर्वे है इसमें भी फर्स्ट पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में, ये भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो इंडिया का रैंक है 10वां, मतलब समझिए अंडर 10 10 तक में आ गया, क्योंकि पिछले बार तो अंडर 10 में था, 9th पे था, अभी 10वां में है। स्वीडन इसमें भी फर्स्ट पे है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है। 8वां रैंक है इंडिया का, अफगानिस्तान इसमें फर्स्ट पे है टेररिज्म में। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, रिश्वत घूस लेना जानते ही हैं, इंडिया का रैंक है 77वां, उत्तर कोरिया फर्स्ट पे रैंक नंबर 1 पे है। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में है 131वां स्थान इंडिया का, दक्षिण कोरिया फर्स्ट पे है। जारी करता है ओकला। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स इसमें इंडिया का रैंकिंग है चौथा, और फर्स्ट रैंक पे है अमेरिका। फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो अमेरिका। आगे हम लोग यदि देखते हैं तो आपको आ जाएगा वैश्विक भुखमरी सूचकांक, हंगर इंडेक्स, ये भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसको जारी करता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जर्मन का संस्थान है वेल्ट हंगर इंडेक्स, और इंडिया का रैंकिंग है 94 और 2019 में था 102, बेलारूस फर्स्ट पे है हंगर इंडेक्स में। सियारा इंडेक्स में हो गया ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इसमें 129 है, नॉर्वे फर्स्ट पे है इसमें भी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये भी हम लोगों से पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा जोखिम रिपोर्ट सूचकांक 2020 में, इंडिया का रैंक कितना 89। मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, और इंडिया का रैंकिंग है 116, सिंगापुर इसमें भी फर्स्ट पे है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 85, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट रैंक पे है हैदराबाद, सिंगापुर इसमें भी फर्स्ट पे है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में इंडिया का रैंकिंग है 105, 2019 में था 79, हांगकांग इसमें फर्स्ट पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 48, 2019 में था 52, और आपको फर्स्ट रैंक पे कौन सा है देश, तो स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे है, और इसको जारी कौन करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, क्योंकि ये पूछ लेता है हम लोगों में से, जो कि इस जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसको कौन सा संस्था जारी करता है, तो ये सब भी हमको ध्यान रखना है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, इसमें इंडिया का रैंकिंग है था तीसरा, 2019 में चौथा था, चीन इसमें फर्स्ट पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 117वां और स्वीडन फर्स्ट पे है। वैश्विक शांति सूचकांक 2020, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में इंडिया का रैंकिंग है 139 और आइसलैंड है फर्स्ट पे। आइसलैंड कितना पे है दोस्तों, तो फर्स्ट पे है। और अब हम लोग देखते वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, ये हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में इंडिया का रैंकिंग है कितना, तो 43, इंडिया का रैंकिंग है 43। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 168 और डेनमार्क है फर्स्ट पे, डेनमार्क है दोस्तों फर्स्ट पे। तो हम लोग के लिए ये इतना ही आज के लिए, थैंक यू।